मुदाफ़ वो होता है कि जिसमें इसके बेसिक जो रूट लेटर्स हैं रूफ़ असलिया उसमें दो एक जैसे होते हैं दो एक जैसे होने की वजह से इनमें में इदगाम हो जाता है ईदगाम का मतलब ये कि इनको मिला दिया जाता है मिला कर तशदीद लगा दी जाती है तो उसकी शक्ल बनती है दुल्ला दुल्लु वद यौन यादनु सद यदू तो इस पर जो एक तरफ़ की आयत है वो पिछले दर्श में हम कर चुके थे और अब आगे बढ़ेंगे आज इस आयत से दलिल दलकुफ़ ईमानी फ़कद सवा अस्सबील तो इस आयत में इस आयत को यहाँ बयान करने का या लिखने का मकसद लफ्ज़ दौल् है दौल् का क्या मतलब होता है वो गुमराह हुआ फैले माजी है दौल् वो गुमराह हुआ सवा अबील रास्ते से वमई कुफर बिल ईमान और जो बदल दे कुफर को ईमान के साथ यानी ईमान के बाद दोबारा काफिर हो जाए फ़कोदल सवा अबील तो वो रास्ते से गुमरा हो गया वो सीधे रास्ते से गुमराह हो गया सवा का मतलब होता है बराबर जैसे कुरान पाक में एक और जगह इर शाद हुआ ला बराबर है कि आप उन्हें डराएं या ना डराएं वो ईमान लाने वाले नहीं तो जो एक बराबर रास्ता है, एक सीधा रास्ता है उस सीधे रास्ते से वो गुमराह हो गया कौन वमई दलिल कुरा बिल ईमान जो तब्दील कर दे कु को ईमान से यानी ईमान के बाद तो इस आयत में ये, ये एक फेल है जो के सलासी मजीद फी है आपने अभी नहीं पढ़ा और दूसरा है दल्ला जो आप पढ़ चुके हैं लेकिन ये तबदल का मतलब आप याद रख सकते हैं कि इसका मतलब होता है तब्दील करना लफ्ज अपने माना के बहुत करीब है और जो बदल दे कुफर को ईमान के बाद या ईमान के साथ ज़ाहिर बदलने का मतलब यही होगा कि एक चीज जाएगी और दूसरी आएगी फ़कद दल फ़कद भाग, भाग, और जो बदल दे ईमान को कुफर के साथ या कुफर को ईमान के साथ ईमानी और जो बदल दे ईमान को कुफर के साथ सही है जजाकल्ला खेरा अच्छी आपने तवज्जो दिलाई ईमान को बदल दे मैंने क्या कहा था कि कुफर को बदल दे ईमान के साथ जी आपने था था। यही है कुफर को बदल दे ईमान के साथ क्योंकि बा ईमान के साथ लगी है और कुफर जो है वो ऑब्जेक्ट है तो जो बदल दे अच्छा अगर कुफर को ईमान के साथ बदलेगा तो फिर तो कुफर चला जाएगा और ईमान आ जाएगा वो, वो तो सीधे रास्ते पे हो जाएंगे वो तो सीधा हो गया तो उर्दू में इसको मैं यूं कहना होगा कि जो बदल दे ईमान को कुफर के साथ जी तो मकसद हासिल होगा कि क्या बात हो रही है तो जो बदल दे अच्छा इसको हम देख लेते हैं ना कि ये इस आयत का तर्जमा जो है वो क्या लिखा है तो तबदला या तबदलु का मतलब जो है वो यहाँ पे बदलना नहीं बल्कि इख्तियार करना है यानी बदल कर किसी चीज को इख्तियार करना किसी चीज के बदले किसी चीज को इख्तियार करना ये क्यों इसका मतलब यहां पर ऐसे है देखें जो सलासी मजीद फी के अबाब हैं जिस तरीके से आपने सलासी मजरद के अववाब पढ़े हैं दौरब उदरेबू समियाई असमाऊ फ़तः याफ्ताऊ और नसर अंसुरु ये अववाब है ना इसमें तो हर लफ्ज़ का अपना एक माना होता है लेकिन सलासी मजीद फी में यह है कि अववाब के बदलने से माना भी बदलता है जैसे एक लफ्ज़ है एक लफ्ज है आपके पास बददला यु बदलू बददला इसके भी हरूफ है इसलिए मैं बदल है इसके बाद एक है यदला सॉरी तब दला यदलू तो जब वो किसी और फॉर्म में था तो उसका मतलब कुछ और था और जब इसकी फॉर्म चेंज हुई तो मतलब में कुछ फर्क आता है जैसे ताम तोम का मतलब है खाना और तमाम या तोम और अमा का मतलब है खिलाना इसी तरह कामा का मतलब है खड़े होना और अकामा का मतलब है खड़ा करना तो जब सलासी मुजरस सलासी मजीद फी की तरफ़ जाते हैं तो कुछ लफ्ज़ों की तब्दीली से माना के अंदर भी तब्दीली आती है तो मैं जो एक मिस्टेक हुई आयत का तर्जुमा करते हुए वो क्या हुई कि यह तोबद्दल का तर्जुमा कर रहा था बदलना लेकिन यहाँ है बदल कर इख्तियार करना बदल कर इख्तियार करना तो हम वो इख्तियार मतलब चूज कर लेना दो चीज़ें आपके पास या पहले आपके पास एक मौजूद थी फिर आपने उसको चेंज करके दूसरी को एक्सेप्ट कर लिया यह है इख्तियार कर लिया मतलब इख्तियार करना है तो अब देखिए आयत का तर्जुमा क्या होगा जो हमारा मकसूद है कुफरा। और जो कुफर को करे बिल ईमानी ईमान के बदले इसमें जो बिल ईमानी की जो बा है उसका मतलब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसके अगेंस्ट उसके बदले क्योंकि बा के डिफरेंट तर्जुमा होता है एक होता है साथ एक होता है से अल्लाह के नाम से और अल्लाह के नाम के साथ तो बा का मतलब जो है वो मुख्तलफ़ हैं वहीं तब दलक़र बिलमानी जो कुफ़र को इख्तियार करे ईमान के बदले फ़कत दौल सवाबील तो वो दूर की गुमराही में सोरी फ़कत दौल सवाबील तो वो रास्ते से गुमराह हुआ वो सीधे रास्ते से गुमरा हुआ वो रास्ते से सीधे रास्ते से भटक गया सीधा जो तर्जुमा है वो फकत का मतलब बेशक नहीं है। फकत का मतलब। फकत का का मतलब मतलब तहकीक लेकिन हम आसानी के लिए कहते हैं बेशक तहकीक या बेशक वो सीधे रास्ते से गुमरा हुआ सीधा जो है वो सवा उनका मतलब है सीधा वो सीधे रास्ते से गुमरा हुआ अगली आयत ايام معدوده وقالوا और वो बोले वालू वा और उन्होंने कहा कॉला अजवफ है आप पढ़ चुके हैं कॉला उसने कहा कालू उन सब ने कहा कॉल कालू कुलता कुल तुम कुल तू कुल नू उन सब ने कहा लन तमसन नारु हरगज आग हमें नहीं मस करेगी अब यहाँ तमसना नारू में मस्सा यमस्सु <coughs> यमस्सु अगर मैं यहाँ इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दूं ताकि आप समझ सकें सीन पर जबर की वजह क्या है कौन बताएंगे लन, लन।, लन। हरफे लन की वजह से इस पर जबर है तो लन तमस्सा हरगिज नई मस करेगी नई छुएगी किसे ना हमें ना का मतलब है हम सब किताबी मेरी किताब किताब उना हम सब की किताब रब रब भी मेरा रब रबुना हमारा रब तो ना का मतलब होता है हमें लन तमस्सा नहीं छुएगी ना हमें अन्नारु आग बता सकते हैं अन्नारु पर पेश क्यों है ये सब्जेक्ट है इसकी वजह से बिल्कुल ये सब्जेक्ट है तमस्सा का कि आग नहीं छुएगी तो तमस्सा का जो सब्जेक्ट है वो अनारू अन है जिसकी वजह से इस पर पेश है और अनारू नान नाउन है नाउन है क्योंकि इस पर अलिफ लाम है ना, ना आग आग तो नाउन है वर्ब नहीं है तो यहूदियों ने कहा वकालू और उन्होंने कहा लन तमस्सन नारू हमें आग नहीं छुएगी इल्ला अय्याम मादूदा सिवाय गिनती के दिन मादूदा कहते हैं गिनती के आ, गिनती को महदूद आदत से है और आदत का मतलब होता है काउंट करना काउंटेबल तो अगर मिसाले कोई चीज है पांच सात दस पंद्रह काउंटेबल है तो उससे अरबी में कहा जाता है महदूदा जिसके आदत को आप काउंट कर सके तो यहूदियों का कहना है कि हमें आग नहीं छुएगी हम जहन्नम में नहीं जाएंगे मगर थोड़े दिनों के लिए हम जाएंगे लेकिन जो हमसे थोड़ी बहुत गलतियां हुई हैं तो थोड़े दिनों के बाद दोबारा हम जन्नत में चले जाएंगे इल्ला अय्याम मअदूदा وقالوا لن تبسن उन्होंने कहा हरगिज़ हमें आग नहीं छुएगी सिवाय चंद दिन ठीक है गिनती के दिन वद्दू لو تكفرون कमा غفروا فتكونون سواء वद मोहब्बत करना मोहब्बत करना वद्दू का ये ये हुआ माजी से सिंगुलर वद्दा और इसकी जमा वद्दू वद्दा वद्दू वद्दा वद्दू वो ये चाहते हैं उनकी ये चाहत है सॉरी फेले माजी है उन्होंने ये चाहा वद्दू उन्होंने चाहा वद्दू उन्होंने मोहब्बत की लेकिन यह मोहब्बत वाला लफ्ज इतना मुनासिब नहीं है तो इसका मतलब विश भी है और लव भी है तो वद्दू उन्होंने चाह तक फोरू ना अगर तुम सब कुफर करो लव का मतलब भी होता है अगर लव अगर तक तुम सब कुफर करते हो कमा कफरू जैसा कि उन्होंने कुफर किया अब तक फुरू ना और कफरू ये भी आप पढ़ चुके हैं बल्कि इस आयत में जितने भी वर्ब आ रहे हैं वो सब आप पढ़ चुके हैं वद्दा व तकफरू ना कफ़र यक फुरु यक फुरु वो कफुर करता है यक फुरू वो सब कफुर करते हैं तकफ्रू आप कुफर करते हो तकफुरु ना आप सब कफुर करते हो फिर मुजारे कफरा उसने कफुर किया कफरु उन सब ने कफुर किया <genug> यकुन वो होता है यकुनू न वो सब होते हैं तकोनु आप होते हो तको आप सब होते हो ठीक है ये चार एक्शन हो गए और इस आयत में कोई अगर हर्फ है तो वो है वाओ सॉरी लव कमा फ़त न की फ़ा और अगर इसमें इसम की बात करें नाउन तो वो है सवा उन बराबर उन्होंने चाहा अगर तुम सब कुफर करते हो जैसा कि उन्होंने कुफर किया फ़तकून सवा तो तुम सब हो जाओगे बराबर वो ये चाहते हैं कि वो भी कुफर, कुफर में है तुम भी कुफर कर लो ताकि तुम सब बराबर हो जाओ कयामत के दिन एक ही तुम्हारा हाल हो ये का ये जहन्नम में तो वो भी जहन्नम में वो जहन्नम में तो ये भी जहन्नम में इनको दुनिया मिली तो तुम्हें भी मिलेगी यानी हर चीज हमारी एक जैसी हो जाए जैसे हम हैं ऐसे हो जाए तो काफिरों की ये ख्वाहिश रहती थी कि जो मुसलमान है वो भी हमारी तरह काफिर हो जाए वद्दू उन्होंने चाह लौ तक फुरू न कमा का अगर तुम कुफुर करते हो जैसा कि उन्होंने कुफुर किया फतकून सवान तो तुम लोग सब के सब बराबर हो जाओ फमन का फर बलिख फमन फा का मतलब है तो और मन का मतलब है जो तो जो कुफर करे या जिसने कुफर किया फेले माजी है तो जिसने कुफर किया बाख इसके बाद हिदायत के आ जाने के बाद रसूलों के आ जाने के बाद ईमान ले आने के बाद कोई भी कोई भी वाक़ कोई भी सन्हरी हो तो सकता है जालिका का मतलब होता है मैंने आपको पहले बताया कि ये इसमें इशारा है और इससे इशारा किया जाता है जिस तरह हाजा से इशारा किया जाता है ये तो जालिका से इशारा किया जाता है वो और वो बाज कोई चीज दूर पड़ी हो तो भी कहते हैं वो और कोई चीज अजीम शान हो तो भी कहते हैं वो क्या यहाँ पे तिलका और जालिका तो ये खुत के लिए जालिका मुजक्र के लिए है तिलका तिलकास के लिए खतान के लिए तिलका है और जालिका मुज़क़्कर के लिए हाजा मुज़क़्कर के लिए हाजी ही मुन्नस के लिए हाउलाई दोनों के लिए तो जालिका फमन कफर बािका तो जिसने कुफ़र किया इसके बाद उसके बाद इस वाक्य के बाद मिनकुम तुम में से मिनकुम तुम में से फ़क़द दल्ला सवा फ़कदी तो ज़रूर या बेशक या तहक़ीक रास्ते से हट गया फेले माजी है तो वो सीधे रास्ते से हट गया तो जो इसके बाद भी हट गया उसको गुमराह हो गया हाँ सीधे रास्ते से गुमराह हो गया माज तो वो सीधे रास्ते से गुमराह हो गया फमन का फोरबादालिक तो जिसने कुफुर किया इसके बाद मिन कुम तुम में से फक़त सबील तो वो तो बेशक वो सीधे रास्ते से गुमराह हुआ इन चार आयतों का तर्जुमा आप रिपीट कीजिए आप में से वन बाय वन एक एक आयत का चार आयतों के बाद पांचवी आयत का तर्जुमा जो पांचवी आयत जो शुरू हो रही है वो हो रही है या लदीना आ मनु ए ईमान वालो या लदीना आ मनु ए ईमान वालो अलैकुम अनफुसकुम अलैकुम अनफुसकुम ये एक अरबी में मुहावरा है अनफुसकुम ये एक अरबी मुहावरा है कि तुम अपनी देखो अलैकुम अनफुसकुम अलैकुम इसका लफ्जी मतलब है तुम पर अनफुसकुम तुम्हारी जाने. अलैकुम तुम सब पर अनफुसकुम तुम सबकी जान मतलब क्या है कि तुम पर तुम्हारी जानों की जिम्मेदारी है सारी जहां की नहीं अलैकुम अनफु तुम पर तुम्हारी यानी तुम पर तुम्हारी जिम्मेदारी है और अला जो है उसका मतलब पर होता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी आता है जैसे उर्दू में भी कहते हैं कि आप फिक्र ना करें आपका मामला मुझ पर है आपका मामला मुझ पर है लफ्ज पर इस्तेमाल हुआ मतलब ये है कि मुझ पर है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी जिम्मेदारी है तो अलैकुम अनफुसकुम तुम पर तुम्हारी जान है यानी तुम पर तुम्हारी जान की जिम्मेदारी है लादुर नहीं नुकसान देगा तुम्हें मन दल्ला जो भी गुमराह हो ला नहीं नुकसान देगा तुम्हें मन दल्ला जो गुमराह हो इदह तदई तुम जबकि तुम सब हिदायत पर हो ए ईमान वालो पहले आयत का मतलब समझने फिर दोबारा मैं लफ्जों पर आता हूँ ए ईमान वालों तुम पर तुम्हारी जानों की जिम्मेदारी है ए ईमान वालो तुम पर तुम्हारी जानों की जिम्मेदारी है, तुम है। लादुर तुम्हें नुकसान नहीं देगा मन मंद जो भी गुमराह होदई तुम जबकि तुम हिदायत पर होदईता एहत यह सलासी मजीद फी की एक फॉर्म है जो भी आपने नहीं पढ़ी लेकिन ता और तुम आपने पढ़ा है दरबता दरबतुम तुम दरबतुम समयता तुम समय था, समय तुम समय था, समय, आपने सुना, समय आपने तुम आप सब सुना दरबता आपने मारा दरबतुम तुम आप सबने मारा नसरता आपने मदद की नसर तुम आप मदद की एह तुम हिदायत पर हो ऐह तदई तुम तुम सब हिदायत पर और इदा का मतलब होता है जब तो ऐमान वालो अलैकुम कुम अनफुसकुम तुम पर तुम्हारी जानों की जिम्मेदारी है ला यदुरहें नुकसान नहीं देगा मंद जो गुमराह होदह तदही तुम जब तुम सब हिदायत पर हो जब तुम हिदायत पर हो तो दूसरों की गुमराह ही तुम्हें नुकसान ना देगी इसका मतलब हरगेज यह नहीं है कि बंदा नकी की दावत देना छोड़ दे निकी का पैगाम आम करना छोड़ दे नहीं इसका मतलब यह है कि नबी पाक सल्ला वसम चुके कुफार के लिए बहुत ज्यादा दिल जलाते थे, थे कि ये लोग ईमान ले आए ईमान ले आए और अहल ई ईमान भी और उनको दावत देते रहते थे कोशिश करते रहते थे करते रहते थे करते रहते थे इसके बावजूद भी वो ईमान नहीं लाते थे और अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की तो अल्लाह ने फरमाया ला तुम्हें नुकसान नहीं देगा कोई दूसरा गुमराह है तो वो तुम्हें नुकसान नहीं देगा जबकि तुम हिदायत पर हो हाँ, लेकिन जो एक जुम्न एक बात कि जिस जो अल्लाह ताला की नाफरमानी देखने के बावजूद भी उसका दिल न जले और वो बोले अपनी अपनी करो भाई या शेख अपनी अपनी देख और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो लोग आते हैं उनको भी ख्याल ना रखे दीनी एतबार से कि उनकी नमाजें उनकी चीज़ें तो फिर तो कयामत के दिन इसका सवाल होगा क्योंकि अल्लाह ने फरमाया या यून आम अनुसुम वहली वा ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ तो बनी इसराइल में एक जगह पर अजाब फ़कत इसलिए हुआ जब अजाब के फरिश्तों को हुक्म हुआ तो अजाब के फरिश्तों ने कहा कि इस बस्ती में तो फ़ला फला नेक बंदा भी है तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनकी भी उन पर भी अजाब हो और उनकी आवाज़ें बुलंद हो क्यों वो तो नेक लोग हैं इसलिए कि वो अल्लाह की नाफरमानी तो देखते थे मगर उनकी पेशानी पर पे बल नहीं आता था तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि ठीक है अगर कोई बुरा करता तो करता रहा हमें क्या तो ये नहीं हो बुराई को हाथ से रोके जबान से रोकें नहीं तो दिल में बुरा जाने ये ईमान का कमजोर दर्जा है यहाँ जो बात हो रही है वो ये कि हमने अपनी कोशिश जितनी करनी थी वो कर ली अब उसके बावजूद भी कोई नहीं समझता तो तुम्हें नुकसान नहीं देगा मन दे तुम, अगर तुम हिदायत पर हो तो किसी और की गुमराही तुम्हें नुकसान नहीं देगी अगली आयत कुल नहीं फाक इन फरार तुम कुल आप फरमा दीजिए फ़ा हरगिज नफ़ा नहीं देगा लई एन हरगिज नफा नहीं देगा एन पर जबर की वजह जो है वो हरफ लन है हरगिज नफ़ा नहीं देगा कुम तुम सब को तुम्हें नफ़ा नहीं देगा क्या नफ़ा नहीं देगा अल अल फिरार भागना अब यहाँ पर देखें भागना एक एक्शन एक है मगर चूंकि कोई इसके साथ माजी नहीं है मुजारे नहीं है हाल नहीं है मुस्तबिल नहीं है कोई ज़माना नहीं है तो इसके साथ जो सलूक है वो नाउन वाला है अलिफ लाम लगा हुआ है इस पर बस भागना कुल नहीं फरार आप फरमा दीजिए हरगिज तुम्हें नफा नहीं देगा फरारू भागना फरारू भागना इन फरर तुम क्या मतलब है तुम सब भागते हो फेले माजी है और हर्फ इन, इन भी है इन इन का मतलब तो आपने बताया था ना कि अगर अगर और फरर अगर तुम, तुम, भागते हो अगर तुम भागो सॉरी अगर तुम भागे माजी फरर फर्रा वो भागा अगर तो, अगर तुम भागे फर्रू वो सब भागे फररता आप भागे वो जो टेबल में पढ़ाता ना उसकी वजह ये अब देखें फरर तुम आ गया बीच में फर्रा फर्रू एक भागा वो सब भागे फररता आप भागे फरर तुम तुम सब भागे इन फरर तुम अगर तुम सब भागे मिनल मौती मौत से अविल कतली या कतल से अगर तुम भाग रहे हो तो आयत के पहले हिस्से में सुन लो नहीं फुलफर भागना तुम्हें कोई फायदा नहीं देगा मौत तो आनी है तो वो लोग जो जिहाद से भागते थे जिस वक्त पर जिहाद फर्ज थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का का हुक्म हुक्म था था अल्लाह ताला उन जिहाद से भाग जाना मुंह मोड़ लेना तो अल्लाह ने फरमाया कि आप इनसे कह दीजिए भागना फायदा नहीं देगा आज नहीं तो कल मरना तो है ही मौत भी आनी है या तो किसी और बहाने कतल हो जाना है अल्लाह ताला आफियत रखे तो अगर तुम भाग रहे हो तो भागना तुम्हें फायदा नहीं देगा जी इन आखिरी दो आयतों का तर्जुमा कौन करें ईमान वालो अलफ तुम पर तुम्हारी जानों की जिम्मेदारी है सही माशा दुर मन डल ला नहीं नुकसान दे, देगा तुम्हें जो इ, इज, तुम जब हिदायत पर हो माशाल्लाह बहुत नेक्स्ट अगली आयत का तर्जुमा कौन कर रहे आ, आप, आप कह दीजिए कि तुम्हें नफा नहीं देगा भागना अगर तुम भाग भागे मौत से या से या कत्ल ठीक है तो यहाँ पर मुदाफ पर जो मुश्तमिल आयात थी जिन अल्फाज में जो मुदाफ़ के अल्फाज और उन पर आयात थी वो अपने अख्ताम को पहुंची अब हम अपनी बुक में जाते हैं और लेसन नंबर सेवनटीन चल ही रहा है और उस पे महमूज का जो लेसन है उसको देख लेते हैं कि महमूज क्या है और उसका फेले माजी और फेले मुजारे कैसे होगा तो अब देखिए आज की आज के लेसन की हमारी स्लाइड नहीं होगी लेसन नंबर सिक्सटीन की आयात हैं और लेसन नंबर सिक्सटीन की आयात ही हमने सेवनटीन में पढ़ी क्योंकि वो आयात डबल थी और लेसन नंबर सेवनटीन में जो हमने आ, सबक पढ़ा है वो है जो हम पढ़ रहे वह है, है महमूस मिसाल हो गया हमारा अजबफ हो गया अलहमदिल्ला नाक़ हो गया मुदाफ हो गया ये तमाम अल्फाज की तकरीबन आयात हमने पढ़ ली वद्दा गल, मसा फर्रा कुछ रह भी गई लेकिन ज्यादातर आयात हमने पढ़ ली अब है सॉरी जी जी पूछ लीजिए ये मैंने ट्राई किया था हैया का बनाने के लिए ना तो वो मुझे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ऊपर वाली स्लाइड पे ट्वेंटी फोर पे प्लीज जी हैया हैया का है समझा देंगे हैया हैयू हैया हैयू हैयाइता हैयाइता ओके हैयाइता जैसे ना वद्दा يا مسَ مسَو مسَستَ فرَ فرَو فرَرتَ حيَ حيَو حيَيتَ ودَك ودوني يا ودَو ها ودَد ودَد ودُو ودّت صحيح حيَ حيَو حيَو بل كي ياه دو يا آيِنْغِي حي حيَو हाँ तो एक या को लेकर तश्तीद भी लिखेंगे तो साउंड तो वही बनेगा ना हाय हाँ। हाँ। याओ अब इसके बाद है हाय जयीता हाय जयीता हाँ यही ता फिर आगे एक फिर तो एक ही जैसा साउंड है हाय यही तुम हाय यही तू हाय यही ना इसका पहले मुजारे बनेगा यहाँ 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 यूना यह... बाकी दो सब जैसे लिखा है सही थोड़ा सा हाँ सही है उसके बाद आपने क्या लिखा हकु। 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 दो का है सब जगह दो हो जाएंगे जब वो खुल जाएगा ना ठीक है खुल जाएगा तो डबल हो जाएगा जैसे हमने फर्रा फर्रू फररता दर्रा दर्रू दररता घर्रा घर्रू घररता हक्का थीक हक्कु हककता हककता हककतुम हककना ठीक है थीक 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 आगे थीक 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 बढ़ते हैं महमूस क्या होता है एनी वन ऑफ़ द थ्री लेटर्स ऑफ़ द रूट इस हमजा के तीन हरफ ऐसलिया में से कोई भी हमजा हो तो ये है महमूस इसको अलग से क्यों लिखा है फेले माजी में आमतौर पर इसके टेबल में कोई खास फर्क नहीं आता फेले मुजारे में भी कोई खास फर्क नहीं आता लेकिन फेले अमर में जाके फर्क आता है माजी मुजारे में आम तौर पर इसका टेबल जो है वो इसका जो साउंड है वो एक मुनासिब ही रहता है कहीं बहुत ज्यादा तब्दीलियां नहीं आती लेकिन फेले अमर में जाके तब्दीली आती है इसलिए इस चैप्टर को अलग से लिखा है जैसे स अलास अलू फताह सेम साउंड लेकिन उसका फेले हमारे इफ्तः इसका फेले हमारे सल इसी तरह अमरा या नसर लेकिन उसका अमर या फेले हमारा होता है उन इसका फेले हमारा मुर तो इसके महमूज में फेले अमर में तब्दीली आती है महमूज में जहां हमजा होते हैं महमूज का मतलब ये जहां हमजा होते हैं वहां फेले अमर में तब्दीली आती है इसलिए इस चैप्टर को अलग से लिखा है यहाँ मैं फिर एक बात दोहरा दूं कि अलिफ और हमजा में क्या फ़र्क है सा अला सीन और लाम के बीच में जो चीज़ नज़र आ रही है ये हमजा है हमजा क्या होता है और अलिफ क्या होता है जब तक ये अकेला है और इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है तो ये अलिफ ये अलिफ है मगर इसका साउंड कैसा होगा पढ़ने में इसका साउंड होगा अगर मैं यहाँ सीन लगा दूं और यहाँ लाम भी लगा दूं और हम अगर इसको हम अलिफ़ कंसीडर करें तो इसका साउंड बनेगा साला साला जिस तरीके से होता है साइल 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 में देखिए कि ये सीन के बाद ये अलिफ है ये हमज़ा नहीं है हमज़ा कौन सा होता है अगर इसके ऊपर ज़बर आ जाए या जेर आ जाए या पेश हो या सुकून हो अब ये हमज़ा बन जाता है सा अला इलू या सा उलू या कुछ भी या जजम भी हो तो भी ये हमज़ा है अगरचे हमज़ा लिखा हुआ ना हो तो अहले अजम हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले वो हमज़ा को इसी तरह लिखते हैं यानी अलिफ ये लिख कर इसके ऊपर ये कर देते हैं ये भी हमजा है और एक हमज़ा ऐसा भी होता है इन दोनों का साउंड एक ही है आ और इसका साउंड भी है आ मगर अहले एह, अरब जब हमज़ा लिखते हैं तो वो अलिफ के ऊपर एक छोटा सा हमजा बनाते हैं ये हमज़ा है और अगर जेर पढ़नी हो तो अलिफ लिख कर नीचे छोटा सा हमजा बनाते हैं इसको ई पढ़ते हैं जेर नहीं लगाते लेकिन ये हमजा का नीचे होना ये बताता है कि ये जेर का साउंड है और हमजा का ऊपर होना बताता है कि यहाँ या तो जबर का साउंड है या फिर पेश का है। तो कहीं आपको कभी आप अरबी वाला कुरान शरीफ उठा लें जो हमारा रसमुलख नहीं है तो कहीं आपको अलिफ नहीं मिले हमजा मिले सॉरी जबर नहीं मिले उसकी जगह हमजा मिले तो इस हमजा को जबर ही कंसीडर करेंगे या पेश और इस हमजा को जेर कंसीडर करेंगे बहरहाल ये है हमज़ा तो कौन सा वो है जो हमज़ा नहीं होता वो मैंने आपको बता दिया वो जो साइल के अंदर जो हमजा है ना जिस पर साइल के अंदर जो अलिफ है ये हमजा नहीं है साइल ये वाला हमजा है सेकंड वाला लेकिन जो फर्स्ट वाला है वो अलिफ है जा या जा तो जीम अलिफ ज़बर जा ये अलिफ है और उसके बाद जो है वह हमजा है बादी तो बा तो बाबर बा ये अलिफ है और इसी तरीके से तो उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा तो महमूज वो होता है कि जिसमें हमजा हो और हमज़ा चाहे कहीं पे भी आ जाए वो महमूज है स्टार्ट में हो जैसे कि अमर ये स्टार्ट की मिसाल सेंटर में हो जैसे स अला ये भी महमूज है और लास्ट में हो जैसे क़र आ ये भी महमूज है तो सला उसने सवाल किया सलू उन सब ने सवाल किया स था आपने सवाल किया सल तुम आप सब ने सवाल किया साल तू मैंने सवाल किया साल ना हम सब ने सवाल किया अच्छा ये भी याद रखिए कि जब हमजा साकििन हो तो एक झटका बनता है जैसे अखद या खोद मुरु तो देख रहे हैं आवाज में एक झटका आ रहा है तो जब भी हमजा साकिन होगा यानी हमजा पर यह अलामत होगी जजम की इसको जजम भी कहते हैं इसको सुकून भी कहते हैं तो जब हमजा साकिन होगा तो एक झटका बनेगा या य या यकू या यहां से लेकर यह आपको दिख रहा है यहाँ तक या मुरु य मुरू न य मुरू, खुदू, अब इसको हम या मुरु नहीं पढ़ सकते या मुरु पढ़ेंगे तो इसका मतलब हमने इसको हमजा नहीं बल्कि अलिफ पढ़ लिया या मुरु इसकी हरकत पड़ी जब भी तो यह हमजा हुआ हरकत नहीं पढ़ेंगे तो अलिफ हो जाएगा तो बड़ा फर्क है या मुरु मुरु ना तक मुरु तक मुरु ना मुरु न मुरु या खुदू या खुदू ना तक खुदू तक खुदू ना अ खुदू ना तक ना चले अब आ जाते हैं इसको हम सीक्वेंस है इसका माजी और मुजारे और इसके माना तो सला का मैंने आपको बता दिया इसका मतलब है उसने पूछा यस अलू वो सवाल करता है यस अलू ना वो सब सवाल करते हैं तस अलू आप सवाल करते हो तस अलू ना आप सब सवाल करते हो अस अलू मैं सवाल करता हूँ नस अलू हम सब सवाल करते हैं तो अब आपकी बारी है जारा को भले छोड़ दें बद से शुरू कर दे जो भी लफ्ज उठाए वो माजी भी सुनाए और इसका मुजारे भी सुनाए जी और मतलब लेकिन मैंने बीच में एक छोड़ दिया ना तो थे इसके थे नंबर सिर्फ तीन ही है तो छोड़। तो जारा उसने वो मदद के लिए रोया जा मदद के लिए रोए ये इसका तर्जुमा है साउंड वही जो सा अलग का है जी बता पढ़िए बदा उसने शुरू किया बदाऊ 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 हाँ ठीक है पेश आएगा बदाऊ उन सब ने शुरू किया बदा बदा आई था बदता। बदा था बदा था अब वहां देखें वहां पर या वापस आ रही थी यहाँ तो है। ये अल्फाज पूरे हैं फतहता नसरता बदता तो जरूरत नहीं है मजीद किसी और ग्लव्स को लाने की तो बदा बदाउ बदाता, बदाता बदा, शुरू किया بدعنا हमने शुरू किया सही फेले मुजारे यब वो, वो शुरू करेंगे या वो शुरू करता है ऊना यब द ना वो सब शुरू करते, करते हैं तब तू आप सब शुरू करते हैं शुरू करता हूँ हम सब शुरू करते हैं बहुत खूब माशाल्लाह जी करा से बताइए कौन कर अख्तर भाई बताएं पहले उन्होंने कहा वो पढ़ता है माजी उस, उसने पढ़ा करा तू आ, करा आ, करा उ, वो पढ़ते हैं करा उसने पढ़ा करा उ, उन सब ने पढ़ा उसने पढ़ा करा तू आ, करा, तुमने पढ़ा करा, करा ता तो ये हमजा हमजा के ऊपर वो आ जाएगा क्या कहते हैं ता के ऊपर जबर है ना अंता की वजह से अच्छा नहीं नहीं लिखा जगह जाएगा कर, कर, कराता ऐसे कराता ओके okay. हाँ. कराता तुम सब तुम सबने पढ़ा करा तुम तुम करा अरा? था तुमने पढ़ा करा तुम तुम सबने पढ़ा करा तू मैंने पढ़ा लास्ट वाला करा अरा? ना हाँ हम सबने पढ़ा बहुत हम, बिल्कुल सही फिर यकरा वो, वो पढ़ता है सही ऊना वो सब पढ़ते हैं, है तुम पढ़ते हो तकराऊना तुम सब पढ़ते हो अकरा उ मैं पढ़ता हूँ नकरा ऊ हम सब पढ़ते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब जी बशार आप बताइए अमरा से ये दो मैंने छोड़ दिए चले अमरा अमर 244 बार कुरान में उसने बोला उसने तो, हुक्म दिया अमर उसने हुक्म दिया हम अमर उसने हुक्म दिया अमरू वो सब ने हुक्म दिया उन सब ने अमर उन सब ने दिया अमरता आपने हुक्म दिया अमर तुम तो, आप, आप सब ने हुक्म दिया अमर तू मैंने हुक्म दिया अमर ना हम सब ने हुक्म दिया ठीक है फेले मजारे या मुरु वो हुक्म देता है <off commendable> या मुरु ना वो सब हुक्म देते हैं ता मुरु आप हुक्म आपने हुक, आप हुक्म देते हैं ता मुरु ना आप सब हुक्म देते हैं आप मुरु मैंने हुक्म मैं हुक्म देता हूँ ना मुरु हम सब हुक्म देते हैं माशाल्लाह अखदा से सुनाइए कौन सुना रहे हैं पूछना जा मदद के लिए रोना बदा शुरू करना करा पढ़ना अमर हुक्म देना उसने हुक्म दिया अख़दा उसने पकड़ा अकला उसने खाया अकला या कुल्लू अकला उसने खाया या कुल्लू वो खाता है तो ये अल्फाज के मानी आप याद रखने के लिए इसमें फाइल का भी सहारा ले सकते हैं जैसे कारी करात करने वाला आमिर हुक्म देने वाला आखिर पकड़ने वाला आकिल खाने वाला आमिन आ, अमन में होने वाला आज परमिशन लेने वाला साइल सवाल करने वाला बादी इब्तदा करने वाला यूं भी इन अल्फाज के मानी को याद रखा जा सकता है एक बहुत अहम बात कि अब ये कि हमने एक चैप्टर अपना फेल सलासी मुजरत एक यूं समझे कि अगर आ, जो जो कैब्स हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है तो एक सलासी मुजरद है और एक सलासी मजीद फी है तब तो हम एक नए मोड़ की तरफ एक नई चीज़ की तरफ हम जा रहे हैं मैं चाहूंगा कि उससे पहले पहले एक टेस्ट होना चाहिए तो अगले हफ्ते से पहले या आप मशवरा देंगे कब एक टेस्ट होना चाहिए जिसमें सब के सब मौजूद भी हों और वो टेस्ट भी दें टेस्ट में क्या होगा कुरान पाक की आयात होंगी जिनका आपको तर्जुमा करना होगा वही आयात होंगे जो आपने अपने लेसन में पढ़ी हैं इसके अलावा ये तमाम की तमाम वकैब्स होंगी महमूस का एक पेज पच्चीस से लेके अगर मैं पीछे देखूँ तो चौबीस ये मेरे ख्याल सोलह तक जाएगा सोलह से शुरू हो रहा है जी तो सिक्सटीन से लेके ट्वेंटी फाइव तक टेन पेजेस टेन पेजेस का मतलब हुआ आपके पास जो वर्ड्स हैं वो हैं वन ट्वेंटी एक सौ बीस अल्फाज हैं। हर पेज पे तकरीबन बारह बारह अल्फाज हैं तो इनके माजी 16 तो, 16 25. सारे, सारे वर्ड की माजी मुजारे आपको आनी चाहिए जैसे में लिखा होगा यज आलूना मतलब क्या है तो आप बताइए बताइएना का मतलब क्या है यान का मतलब क्या है या का मतलब क्या है तो कोई भी लफ्ज हो एक सौ बीस अल्फाज है आपके पास और किसी भी आप? किसी भी इसका ये, इसका ये वो रिटर्न टेस्ट पेपर होगा इसका रिटर्न टेस्ट पेपर होगा और उसमें आपको टेस्ट देना होगा मैं आपको एक टेस्ट पेपर दिखा भी देता हूँ पहले मैं अपनी रिकॉर्डिंग को रोक लेता हूँ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته